कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा को नागरिकों से भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, जिसके चलते ऊर्जावान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में केस बनाए जा रहे हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निशांत जैन ने त्योदा से पठारी आ रही भारत जोड़ो उप यात्रा में कही। वहीं यात्रा के जिला प्रभारी राकेश कटारे ने भी संबोधित किया। यात्रा में त्योदा से पठारी तक भारत जोड़ो उप यात्रा का नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ता द्वारा स्वागत और भारी समर्थन मिला। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व विधायक सम्मानी किशन जैन साहब और भारत जोड़ो परिवार के संगठन के सभी आजाद भारत के बाद देश की और प्रदेश की वर्तमान सरकारों ने देश में नफरत का और घृणा का वातावरण कर दिया। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। आज अधिकतम महंगाई है, अधिकतम बेरोजगारी है। इन सब को लेकर राहुल जी ने यात्रा निकाली और कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में यात्राएं निकल रही है। और उत्साह आप लोगों ने भी देखा, पूरे त्योंदा से और पठारी तक 22 किलोमीटर के रास्ते में कितना जबरदस्त उत्साह है। गांव के गांव सड़क पर खड़े होकर यात्रियों का सभी तरह से सम्मान कर रहे थे। इससे लगता है कि अब आम आदमी महंगाई की चाहता है कि महंगाई से मुक्ति हो, बेरोजगारी से मुक्ति हो, किसान अपनी उपज का मूल्य चाहता है। इन्हीं सब बातों के लेकर आज भारत यात्रा उप यात्रा त्योंदा से पठारी के बीच निकाली गई। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से क्या दोबारा संजीवनी मिलेगी कांग्रेस को? संजीवनी की जैसी कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं जोड़ो यात्रा के माध्यम से। तो व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारे सभी बेरोजगारों की, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक गुगल बजा रहे हैं, बेरोजगारों की, किसान भाइयों की, भ्रष्टाचार की, इन तमाम बातों को लेकर देश हित की लड़ाई है और संजीवनी जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस आने वाले 23 में मध्य प्रदेश में और 24 में भारत में सरकार बनाई। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, छोड़ो भारत जोड़ो। आगामी विधानसभा में कांग्रेस के पास